और देखिए बिहार में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीएम नीतीश कुमार आज इसको लेकर हवाई सर्वे करने वाले हैं। बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे किया जाएगा। आज गोपालगंज में हालात का जायजा सबसे पहले मुख्यमंत्री लेंगे। 11 बजे 70 घाट डुमरिया का जायजा लेंगे। डीएम ने सीएम नीतीश कुमार के सर्वे की जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में नदियां उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, उससे देखते हुए बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार खुद हवाई सर्वे कर हालात का जायजा आज लेने वाले हैं। बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे करेंगे। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री गोपालगंज जाएंगे, जहां बाढ़ के हालात के जायजे से वो रूबरू होंगे। 11 बजे 70 घाट डुमरिया का वो जायजा लेने वाले हैं। डीएम ने सीएम के सर्वे की जानकारी दी है। और फिर गोपालगंज के बाद आज बगहा भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। हवाई सर्वे के जरिए वो हाल जानेंगे। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का निरीक्षण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। गंडक नदी के जलस्तर में फिलहाल गिरावट देखने को मिली है। बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। नेपाल की नदियों का जलस्तर भी अभी कम हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर दबाव अब घट रहा है। आपको बता दें कि गंडक नदी में अभी जलस्तर काफी ज्यादा जो है कल तक देखने को मिल रहा था, जिसमें तटबंध पर दबाव बनने शुरू हो गए थे। गंडक बराज के जो 36 फाटक हैं उसे भी खोल दिया गया था, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि तटबंधों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अब ये राहत भरी खबर मिल रही है कि गंडक नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे हैं और वाल्मीकि नगर के साथ ही गोपालगंज के तमाम ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जहां मुख्यमंत्री आज एरियल सर्वे करेंगे और उन तमाम इलाकों में जो बाढ़ के कारण जिस तरह से परेशानियां हो रही है उनका जायजा लेंगे। और गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से उछाल आया था और यह जलस्तर बढ़कर 4,40,000 क्यूसेक पार कर गया था, तो तमाम ऐसे पश्चिम चंपारण और गोपालगंज के इलाके हैं जिन इलाकों में पानी फैल गया था और कई तटबंधों पर भी दबाव बना था, उन तमाम इलाकों में क्या हालात है उसका जायजा आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और एरियल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा के इस हेलीपैड पर आएंगे और यहां अधिकारियों से बात करेंगे। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बराज में वर्तमान जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो गई है और एरियल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के इस हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे और यहां से तमाम उन इलाकों में भी पहुंचने की संभावनाएं जताई गई है जहां बाढ़ से तमाम परेशानियां हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद है। और वाल्मीकि नगर और गोपालगंज के साथ ही तमाम ऐसे इलाके हैं जहां गंडक नदी के जलस्तर के बाद जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी उसका जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने वाले हैं, जिसकी सारी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। नेपाल से आने वाली नदियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं, जिसके चलते गंडक बराज पर जलस्तर लगातार अब कम हो रहा है। फिलहाल गंडक नदी में 2,70,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश थम गई है और बारिश के रुकने के साथ ही लगातार नेपाल के छोटी छोटी नदियों के साथ ही नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ देवघाट गंडक ब्रिज पर जलस्तर लुढ़ककर 3,18,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के नदियों का गिरता हुआ जलस्तर बिहार के लिए सकून भरी खबर है और धीरे धीरे नेपाल के नदियों के जलस्तर में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई है तो आने वाले दिनों में गंडक नदी के जलस्तर में भी गिरावट जरूर आएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी लगातार जलस्तर लुढ़क रहा है और यह जलस्तर गिरने के साथ ही बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज के जिलों में जो बाढ़ के हालात बन रहे थे उसमें राहत जरूर मिलेगी। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर।
वहीं कैमूर के मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर के रूम सहित कई अस्पताल के कमरों में जल जमा हो गया है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति से डॉक्टर और मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस पर अनुमंडल प्रशासन और नगर पंचायत भी लापरवाही का आरोप लगा रहा है। इमरजेंसी रूम में, डॉक्टर ड्यूटी रूम में सब जगह पानी जा चुका है। काफी दिक्कत होते हुए सर आप लोग को? हाँ, तो आप तो कहीं बैठ भी नहीं सकते, पैर भी नहीं धो के बेड पे भी चेयर पे भी बैठ सकते, ये नहीं, अब ऐसे ही रहना है। कोई नगर पंचायत कर्मी कोई आया है ना देखने के लिए पानी लगा है तो? मेरे ड्यूटी में कभी तो नहीं आया नहीं है। शिवहर के मोहारी में बागमती नदी से लगातार कटाव हो रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि नदी के कटाव से तटबंध पर खतरा बना हुआ है। जल संसाधन विभाग कटाव को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहा है। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी पूरी तरीके से उग्र रूप धारण कर चुकी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी और शिवहर जिले से जो बागमती नदी गुजरती थी वह लगातार कल तक प्यासी थी, लेकिन आज इसका खौफनाक जो मंजर है वह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवहर जिले के मोहारी गांव में, और मोहारी गांव में बागमती नदी से कटाव हो रहा है, और कटाव इस कदर खतरनाक तरीके से हो रहा है कि तटबंध के मजबूती पर अब सवाल पैदा हो रहे हैं। नहीं, सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को लगाया गया है और जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और कटाव रोकने की तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। शिवहर के DM और SP समेत जो प्रभारी मंत्री हैं वो उनके द्वारा भी इस कटाव का जो क्षेत्र है उसका मुआयना किया गया, लेकिन फिर भी अभी भी कटाव हो ही रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कटाव चल रहा है, रात दिन हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, किस तरीके का कटाव? खतरनाक है क्या? अभी तो खतरनाक ही समझिए, खतरनाक ही जी। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं इसी में काम कर रहे हैं इसको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन पानी जो ही घटेगा इसका प्रोटेक्शन टूट जाएगा। खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है जी। तटबंध भी टूट सकता है, तटबंध भी टूट सकता है। तो आप लोग किस तरीके से इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं? बांस, बल्ला, बोरी, NC सब कुछ कर रहे हैं, पूरा मतलब स्थिति सामान्य है, मतलब स्थिति स्टेटस सेफ है, सुरक्षित है। अच्छा, कोई अभी मतलब खतरनाक स्थिति में नहीं है, हम लोग सुरक्षित कर लिए इसको, इसका बचाव कार्य जारी है। और लगातार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। और बिहार में ठनका जानलेवा साबित हो रही है। 24 घंटे में ठनका की चपेट में आने से 9 जिले में 10 लोगों की मौत हो गई। नालंदा में 2, वैशाली में 1 और सहरसा में 1 की मौत हुई है। इसी के साथ रोहतास, सारण, जमुई, भोजपुर और गोपालगंज में भी 1-1 लोगों की मौत की खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने 10 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने मृतक के आश्रित को 4-4 लाख का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरह सावधानी बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी जारी सुझावों का पालन करें। खराब मौसम में घर में रहें और सुरक्षित रहें। और देखिए, पटना समेत पूरे बिहार में मॉनसून काफी सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। तो आफत की बारिश अभी और हो सकती है, क्योंकि मॉनसून अभी भी बिहार में सक्रिय है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आपको ये बता दें कि कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है, ठनका भी गिर सकता है। ऐसे में लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी लोगों से अपील की है कि मौसम अगर खराब हो तो आप बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें, खासतौर पर जब बारिश हो रही हो तो